देखिए जनाब, और हमारे पर्सनल फैक्टर्स में जो आखिरी फैक्टर है वो पर्सनैलिटी है। ये लफ्ज़ पर्सनैलिटी भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि आप लोग लफ्ज़ पर्सनैलिटी को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं और आप इसको इस्तेमाल करते भी हैं। ख़ास तौर पे इस मानों में तो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं कि आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, या आप पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप पर्सनैलिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जो पर्सनैलिटी है, ये जो शख्सियत है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनल फैक्टर है। और किसी की जो शख्सियत होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है आपके वे ऑफ लिविंग को। हम अपनी पर्सनैलिटी और अपनी शख्सियत के मुताबिक ही बिहेव करते हैं। तो असल में जो पर्सनैलिटी है, उसे यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेट्स सच एज सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, सोशियबिलिटी, ऑटोनोमी, डिफेंसिवनेस, अडेप्टेबिलिटी एंड एग्रेसिवनेस। यानी अगर आप ये देखें कि जितने फैक्टर्स के ऊपर बात हुई है, ये जो ट्रेट्स होते हैं, खूबियाँ होती हैं इंसान की, पर्सनैलिटी इनमें शामिल हो रही होती है। आप देखते हैं कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोग बड़े ऑटोनोमस होते हैं, कुछ लोग बड़े डिफेंसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत जो है ना वो सोशियबल होते हैं, लोगों से बहुत मिलने मिलाने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। अच्छा, अब ये इंसानों की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं, ये एक बड़ा अहम पर्सनल फैक्टर है। हम मार्केटिंग के लोगों को इससे क्या फ़ायदा होता है? हमें क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करें और पर्सनैलिटी की थीरीज को पढ़ें या पर्सनैलिटी को समझें? देखिए, पर्सनैलिटी किसी पर्सन से मुतल्लिक है, और जो पर्सन्स होते हैं वही हमारे बायर्स होते हैं, वही हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो अगर हम पर्सनैलिटी, और फिर किसी की जो पर्सनैलिटी में ना, एग्रेसिव लोग जो हैं, अगर आप देखें उनकी कलर चॉइसेस डिफरेंट होंगी, जो शाय लोग हैं उनकी बिल्कुल इवेंट्स के हवाले से, पहनावे के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट चॉइसेस होंगी, जो कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं वो और तरह से बिहेव करते हैं। तो शख्सियत किसी के रवैये को चूंकि मुतासिर करती है और बाइंग बिहेवियर को भी मुतासिर करती है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है जनाब कि जो पर्सनैलिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये अहम पर्सनल फैक्टर है जो बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब आप ये देखिए, इसी से मुतासिर होकर जो कंपनीज़ हैं, वो जो प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स ऑफर करती हैं, उनकी भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। उसमें आम तौर पे वो सफिस्टिकेशन के हवाले से, रफनेस के हवाले से, सॉफ्टनेस के हवाले से, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लाते हैं। देखिए, पर्सनैलिटी टू ब्रांड्स, ताकि वो ह्यूमन पर्सनैलिटीज के साथ मैच कर जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको पर्सनल फैक्टर्स और ख़ास तौर पे इसमें पर्सनैलिटी क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।